देखा अंदर से। वह खैर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ठीक है, अंदर की मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो बाहर बाहर से दिखा सकता हूँ। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर बन चुका है। 12 साल में एक बार यहाँ पे जात होती है। जात यानी कि एक मेला लगता है जिसमें पूजा पाठ की जाती है काफ़ी। और बाइक मैंने यहाँ पे लगाई हुई है फ़िलहाल, ये बाइक है। इधर अपने छोटे भाई की दुकान है, शॉप है, जहाँ पे वो चाउमीन और क्या बोलते हैं उसको, चाय वगैरह मस्त एकदम। मतलब ये समझो कि बिल्कुल एक्सट्रीम उत्तराखंड जिसको बोलते हैं ये वही है, ठीक है। ये कोई हिल स्टेशन नहीं है और यहाँ भी कोई ऐसा कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला कुछ नहीं है। बस ये एक रियल उत्तराखंड है जो बहुत लोग शायद नहीं जानते हो, बहुत लोग जानते भी हैं, ठीक है। सो यही है, यहाँ पे जब देवी देवताओं का मेला लगता है, जात होती है ना, तभी भीड़ होती है। और जनरली तो लोग ऐसे ही आते हैं छुट्टी छुट्टी मनाने। तो अभी मैं हूँ क्विली गांव में और ये मुझे यहाँ पे तीसरा दिन है एक्चुअली मेरा। और आपने रोड वगैरह तो देख ली होगी, काफ़ी कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे ना होम स्टे वगैरह का फ़िलहाल कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं बोल पाऊँगा कि आप भी यहाँ पे आओ विज़िट करो, क्योंकि यहाँ पे रहने का नहीं हो पाएगा फ़िलहाल, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है हो जाए। और यहाँ पे मुझे एक नया प्रोडक्ट मिला है जो है लोस्तू नेचुरल। काफ़ी बढ़िया और हर्बल प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं और बिल्कुल नेचुरल इन्ग्रीडियंट से 100% प्योर, ठीक है। मैंने भी लिया है, मतलब 2 अचार लिए हैं मैंने और एक हनी लिया है, ठीक है। बिल्कुल अनफिल्टर्ड शहद आपको मिलेगा। बाकी उनकी वेबसाइट में यहाँ पे शो कर दूंगा, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करना, मतलब मर्जी आपकी, एक बार ट्राई ज़रूर करना। मेरे हिसाब से तो मैंने तो 3 प्रोडक्ट लिए हैं उनके। और 2 एक्सक्लूसिव आइटम हैं जो सिर्फ उनके पास मिलती है, वो है आपका लिंगड़े का अचार, ठीक है। अब जो पहाड़ी लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो जानते हैं लिंगड़ा क्या होता है। शाम के 6 बजे बाहर हो जाता है अंधेरा। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, 6 बजे हो जाता है यहाँ पे अंधेरा और सुबह 9 बजे करीब आती है यहाँ पे धूप, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। वैसे उत्तराखंड में चाहे किसी के भी गांव में चले जाओ, बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। ओके, ओके गाइस, तो ये अपना गांव की रोड है क्विली के लिए। एक्चुअली मेरी नानी का गांव है। एंड और यहाँ पे लगा हुआ है मेला। अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। जो मंदिर का डिज़ाइन है वो केदारनाथ और हमारे जो प्राचीन मंदिर जो उत्तराखंड में है उनको देखते हुए बनाया गया है। और रिसेंटली ये मंदिर जो है बिल्ड हुआ है। पहले ये मंदिर छोटा था और मतलब बहुत पहले मतलब हर 12 साल में होती है ना यहाँ पे जो जात होती है, जो मेला लगता है वो लगता है 12 साल में, 3 साल में, 6 साल में, ठीक है। तो 12 साल वाला सबसे बड़ा होता है एक्चुअली में। तो ये रास्ता जाता है मंदिर के लिए नीचे। जो आप देख रहे हो पूरा नज़ारा मस्त एकदम। और ठंडा काफ़ी है, रात को यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और नेगेटिव में भी चला जाता है। तो फिलहाल तो बढ़िया मौसम है, साफ़ सुथरा। बारिश होती ना तो डेफिनेटली बर्फ़बारी मिलनी थी हमें यहाँ पे, काफ़ी सही। और वहाँ सामने है मंदिर। और ये पार्किंग है यहाँ पे, ये खड़ी है अपनी गाड़ी, तो यहाँ पे पार्किंग है। एक रास्ता यहाँ से भी जाता है ऊपर बोंदू के लिए। भाई साहब, जहाँ पे छाँव है ना वहाँ पे इतनी ठंडी हो रही है कि क्या बताऊँ। ये अपने मामा की दुकान। बाप रे, पैरों में ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है कि मज़ा ही आ जा रहा है। हाँ सीरियसली यार, मतलब पैरों में इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। और ऊपर से पूरी ढलान है। टोटल किलोमीटर हम चला चुके हैं 398, तो लगभग 400 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं। एंड ये है आचरी खुंड। आचरी खुंड यहाँ पे स्कूल है एक्चुअली में, कॉलेज है, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ाई वगैरह होती है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। और ये भी नया बना है यहाँ पे, बिल्डिंग नहीं बनी है आचरी खुंड में, जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पे पार्किंग वगैरह है और यहाँ पर भी जो है यात्री लोग जो है स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। और ये क्यों रोक के खड़ा हो गया बीच में? चढ़ाई वाले को ना हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो गाड़ियाँ नीचे से आ रही है ना उनको पहला मौका देना चाहिए चढ़ने का। जो ढलान पे है वो तो कहीं पे भी साइड दबा सकता है, क्योंकि ढलान वाले के पास यू नो इतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जो चढ़ाई चढ़ रहा है वो भी एकदम खड़ी चढ़ाई, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और ख़ासकर जो बाहर के ड्राइवर होते हैं यू नो जो मतलब बेसिकली पहाड़ों पे नहीं चलते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन पहाड़ों में चढ़ना। बाकी मैक्स वाले तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली पंजाब से आ रखे हैं ना लोग, जो इतने हैबिचुअल नहीं है पहाड़ों में चढ़ने के, तो डेफिनेटली वो थोड़ा यू नो स्ट्रगल करते हैं ऐसी रोड्स पे। और मैंने काफ़ी सारे देखा है कि काफ़ी गाड़ियों की क्लच प्लेट बोल जाती है, क्योंकि क्लच दबा के लोग चढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, क्लच बर्न बहुत होता है। तो वही सीन है वैसे तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा चढ़ाई चढ़ने वालों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर चाहे पहाड़ पे हो कहीं पे भी हो, है ना। फिलहाल मैं भी तीसरे गेयर पे चढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंजन ब्रेकिंग का ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अगर मैं ब्रेक्स का ज़्यादा यूज़ करूँगा तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएंगे, और डिस्क ब्रेक जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो लगने बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से। और ढलान भी काफ़ी तेज़ है, अगर मैं इसमें न्यूट्रल भगाऊंगा ना, न्यूट्रल ले जाऊँगा तो गाड़ी 60 पार हो जाएगी, और यहाँ पे बजरी पड़ी हुई है तो ब्रेक भी मारूंगा तो रिपट जाएगी गाड़ी, ठीक है। और गाड़ी बंद करके भी नहीं चला सकता, क्योंकि ये ABS है, अगर मैं गाड़ी को ऑफ कर दूँगा तो ABS वर्क नहीं करेगा, ABS वर्क नहीं करेगा तो फिसलना तय है फिर तो, है ना। तो ये है। बाकी ये जो रास्ता जाता है ये जाता है सीधा तेगड़ के लिए, और तेगड़ से भी एक रास्ता करता है जो तिलवाड़ा निकलता है। जैसे कि मैंने कल लोकल से पता करा तो उन्होंने बोला कि जो तेगड़ से रास्ता कटता है वो तिलवाड़ा भी निकलता है। तो यहाँ पे देखो मंदिर, आपको उत्तराखंड में जितने मंदिर होंगे मैक्सिमम इसी डिज़ाइन में होंगे, ठीक है। ये मतलब ट्रेडिशन है यहाँ का, ढलान है यार। ओके, तो ये रास्ता एक और कटता है, ये जाता है रिगोली के लिए, और रिगोली भी दो हैं आगे, तो ये भी मस्त रोड है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है एकदम, और घना जंगल है आगे। तो कल मैं गया था यहाँ पे ऐसे घूमने फिरने, काफ़ी बढ़िया जगह है। और यहाँ से हम नीचे निकलेंगे, एंड यहाँ पे देखो गांव है एक, ये भी बड़ा खूबसूरत सा है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और मंदिर भी बहुत खूबसूरत बना रखा है इन गाँव वालों ने यहाँ पर, बढ़िया एकदम। और मैं तीसरे ही गेयर पर चल रहा हूँ। और हाँ, बाय द वे, मैंने कल न्यूज़ देखी थी तो उसमें पता लगा कि यजदी ने अपने 3 मॉडल्स लॉन्च करे हैं, और 3 में से आई गेस एक स्क्रैम्बल है, जो आपका जो स्क्रैम्बलर गाड़ी आती है, और एक है आपकी हिमालयन को टक्कर देने वाली एडवेंचर, ठीक है, और एक है आपकी मीटियोर जैसी क्रूज़र टाइप की कुछ तो बनाई है उसने, ठीक है। 3 मॉडल लॉन्च किए गए हैं यजदी की तरफ से, एंड अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हुई, मतलब जैसे कि जावा है ना, जावा ने जब शुरू में जावा आई थी तो क्वालिटी में उतना मज़ा नहीं आया था लोगों में, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज फेस करे थे लोगों ने, जहाँ तक मैंने वीडियोस देखी थी, ठीक है। तो अगर क्वालिटी प्रीमियम रखी यजदी वालों ने तो डेफिनेटली वो एक कड़ा टक्कर देगी, क्योंकि यजदी ने जो प्राइस रिवील करे हैं अपने मॉडल्स के ना, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। हाँ, और ऊपर से जो यजदी के अंदर जो फीचर्स हैं गाड़ी में, दोज आर अगेन यू नो बेहतरीन कहूँगा, बिल्कुल। हाँ, जैसा मैंने फ़ोटोज़ में देखा है ना, उस हिसाब से बोल सकता हूँ कि हाँ, काफ़ी बेटर फीचर्स जो है यजदी ने प्रोवाइड करे हैं इस बार। और यजदी मार्केट में आई है तो डेफिनेटली एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है रॉयल इनफील्ड तो एक तरह से मोनोपोली है रॉयल इनफील्ड की, और रॉयल इनफील्ड का तो खैर एक टॉरा है। तो देखते हैं यजदी जो है कितना कम्पीट कर पाती है। फिर जावा के पास भी एक ऐसी बाइक है जिसमें वो मोनोपोली है उसकी, वो है जावा पेराक बॉबर। अब उस प्राइस रेंज में सिर्फ एक ही बॉबर अवेलेबल है और कोई बॉबर है ही नहीं। अब रॉयल इनफील्ड क्लासिक को अगर आप पीछे की सीट हटा के बॉबर बोलोगे तो वो मेक सेंस नहीं करेगा, बॉबर एक अलग ही बाइक होती है भाई, ठीक है। तो जावा की पेराक एक अलग मोनोपोली क्रिएट करती है बॉबर में, उस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में कोई और बॉबर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और बाकी जो हाँ ये है कि जो लोग रॉयल इनफील्ड की क्लासिक जो रिबॉर्न आई है, जो उससे नाखुश है, मतलब जिनको वो पसंद नहीं आई या जिनको उनमें स्वाद नहीं आया, वो माइट भी यजदी की तरफ जा सकते, क्योंकि यजदी का भी इंजन 300cc वाला है, मतलब 300cc से बड़ा इंजन है उसका, 336cc है। तो डेफिनेटली वो एक अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगी। अब वो देखना पड़ेगा कि जब यजदी लोग लद्दाख लेके जाएंगे, जब यजदी से लोग स्पीति वगैरह करेंगे, तब उसकी एक्चुअल क्वालिटी का पता लगेगा कि बाइक है कैसी, क्योंकि देखो सिटी राइड में तो सारी बाइक अच्छी परफॉर्म कर देती है, इसमें कोई ऐसी वैसे वो बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को पसंद आ जाएंगे किसी को नहीं पसंद आएंगे, सिंपल सी बात है ना। लुक्स के बारे में तो मैं यही बोलता हूँ, किसी को रवीना टंडन पसंद है, किसी को ट्विंकल खन्ना, राइट। तो पॉइंट इसकी हाँ यजदी अगर लद्दाख में और स्पीति वैली में जब लोग राइड करेंगे उसमें तो डेफिनेटली वहाँ पे उसका रिजल्ट निकल के आएगा। बिना उस राइड के यू कैन नॉट से कि यजदी अच्छा कर रही है ख़राब कर रही है। ठीक है, सिटी राइड के बेसिस पे मैं तो बिल्कुल जज नहीं करता किसी बाइक को। सिटी राइड में सब अच्छा करती है यार, सिटी राइड में होता ही क्या है, हाईवे हाईवे होता है, रेड लाइट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, रेड लाइट हाईवे जाम बस। वहाँ पे तो नॉर्मल बाइक्स भी अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं। जो मेन होता है ना वो होता है आपका टफ टेरेन्स में जब गाड़ियाँ चलती है, जैसे कि मैं मीटियोर को लेके जा रखा हूँ लद्दाख में, फिर ऐसी ऐसी जगह भी मैं आ रखा हूँ जहाँ पे काफ़ी ऑफ रोड है और चढ़ाई है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे रियल टेस्ट होता है गाड़ी का। तो जब यजदी लोग लेके जाएंगे लंबे लंबे रूट्स पे, फिर उन दोस्तों का रिव्यू जब आएगा ना तब एक्चुअली पता लगेगा कि हाउ यजदी इज़ परफॉर्मिंग। तो फॉर मी आई एम अ बाइक लवर, मुझे सारी बाइकें पसंद आती हैं यार, कोई सी भी हो। ठीक है, बस हाँ ये कि चलने में हर बाइक डिफरेंट फील करती है, वो चलने में ही पता लगेगा। बाकी यजदी ने भी कमाल ही कर दिया नहीं बम फोड़ा बम। नीचे देखो क्या खूबसूरत नज़ारे है ना। तो जो हमारे पहाड़ों के जो गांव हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो खेत, सीढ़ीदार खेत भाई बड़े खूबसूरत लगते हैं पता है। और ख़ासकर जब आप बरसात के मौसम में, तो होता नहीं वो जो कौन सा मौसम होता है जिसमें फूल वगैरह खिलते हैं काफ़ी, है ना, बसंत ऋतु बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कभी भी उत्तराखंड घूमने आओ ना तो बसंत ऋतु में आओ तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ टाइम में तो पतझड़ शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उतना हरा हरा नहीं दिखेगा आपको, समझ लो मतलब। हाँ, तो बसंत ऋतु का क्या होता है ना कि बसंत ऋतु होती है तो उस दौरान उत्तराखंड घूमने का अलग ही मजा है। वाह वाह, ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है बल, है ना। पानी पानी की तो कोई कमी नहीं होती पहाड़ों में, कुछ कुछ जगह ज़रूर है कमी पहाड़ों में पानी की, लेकिन मैक्सिमम जगह पानी मिल जाता है। अच्छा महादेव, ये देखो ये जगह है महादेव। महादेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है एंड ये रास्ता जाता है नीचे महादेव मंदिर के लिए एंड नीचे आई गेस मंदिर है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है महादेव। और बस अब आगे जो है तेगढ़ आने वाला है। तेगढ़ यहाँ पे मार्केट है, जो गांव वाले जो सामान वगैरह लेने आते हैं तो बेसिकली तेगढ़ में मिल जाता है, वरना फिर आगे नीचे कीर्ति नगर जाना पड़ता है। तो पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है भाई। अब तो चलो रोड वगैरह भी आ चुकी है पहाड़ों में, पर पहले की तो बहुत ही मेहनत थी। अभी भी मेहनत है यार, है ना, अभी मेहनत क्यों नहीं है। गाँव की लाइफ चाहे पहाड़ की हो, यूपी की हो, महाराष्ट्र की हो, कहीं की भी गाँव की ज़िंदगी हो, वो तो भाई मेहनत भरी होती है। ठीक है, गाँव वाला ही मेहनत करता है, जो फिजिकल मेहनत जिसको बोलता है ना। बाकी तो ठीक है, मेहनत तो हर कोई करता है, ऐसे नहीं है कि भाई मैं पर्टिकुलर उन्हीं का नाम ले रहा हूँ या उन्हीं को शाउट आउट दे रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। मेहनत तो प्राइवेट जॉब में एक एम्प्लॉय भी करता है, ठीक है, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ फिलहाल बाइक चलाने की, समझ रहे हो। तो अपनी अपनी मेहनत होती है, पर हाँ ये है कि थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है गाँव की लाइफ में। भले ही सुकून भी होता है, पर आपको पता ही है यार, अब इसमें क्या डिटेल बताओ, है ना। ये देखो भाई नीचे खेत, आई डोंट नो इनको सेरा तो नहीं बोलते, सेरा सेरा बोला जाता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है ना, जिन खेतों के आसपास जो है पानी ज़्यादा होता है उस एरिया को जो है सेरा बोला जाता है। सेरा, नॉट शेरा, वो सलमान खान का बॉडीगार्ड सेरा नहीं, सेरा, ये अलग एक टर्म होती है सेरा। ठीक है, तो वही है, बढ़िया है एकदम। नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत है यार यहाँ पे। तो गाइस ये है तेगढ़, मतलब तेगढ़ पीछे रहेगा थोड़ा सा, मतलब उसके आसपास का इलाका है एंड यहाँ पे रोड थोड़ी ठीक है, बस थोड़ी पतली है पर ठीक है, रोड टूटी फूटी नहीं है। ये देखो नीचे गांव है ना मस्त, और उसका देखो नीचे खेत कितने प्यारे हैं। कीर्ति नगर यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो इट्स अराउंड 29 किलोमीटर। और ये देखो यहाँ पे मंदिर है क्षेत्रपाल देवता का, तो उनको प्रणाम करते हैं और चलते हैं। जय क्षेत्रपाल देवता। मंदिर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे उत्तराखंड में, क्योंकि देवी देवता देवभूमि है तो ऑब्वियसली बात है देवभूमि में देवी मिलेंगे आपको। हो एंड ब्यूटीफुल रोड, खूबसूरत रोड जो है ललचाती है आपको कि आप स्पीड में चलाओ एंड ट्रस्ट मी ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही डेंजरस भी, ठीक है। तो लालच में नहीं आने का दोस्त। देखो छोटी चिड़िया स्पैरो, तो लालच में नहीं आने का दोस्त, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलाने का है, ठीक है। क्योंकि मक्खन रोड हमेशा ये नहीं कहती कि बेटा रोर कर रोर, एक तो थोड़ा यही है कि मक्खन रोड को देख के ललचाने का नहीं और भगाने का नहीं दोस्त, प्यार से चलाना है क्योंकि काफ़ी डेंजरस होती है ऐसी रोड। यहाँ पे रुका हुआ थोड़ी देर, नज़ारा देखो, चीड़ के पेड़ खूबसूरत, और ये खड़ी अपनी बाइक। हाँ मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे राइड करने का। यार मेरा ना ऑडियो रिकॉर्डर पता नहीं क्या हो गया उसको यार, उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा। वो देखो ऊपर से मस्त सूर्यदेव आ रहे हैं, और क्या घना जंगल है यहाँ पे। ओके अब निकलते हैं यहाँ से, है ना, चलो फिर चलते हैं आगे। और ये देखो कलाकृति क्या कर रखी है, देखो इसके अंदर पेड़ के अंदर ये बना रखे है नेचुरल है पता नहीं, बट काफ़ी सही है, देखो है ना मस्त। चलो फिर चलते हैं। भाई साहब मस्त नज़ारे हैं यार, देखो तो ये वाला जो बैंड है कितना खूबसूरत था, ये देखो फोटोज है ना। यहाँ फोटो खींचता थोड़ी फिर निकलता है। भाई यहाँ पे ना बड़ी क्लासिक फोटोज लिए हैं मैंने, आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख सकते हो। भाई साहब बहुत क्लासिक फोटोज आई हैं, जबरदस्त फोटोज। देखने कुछ छूटा तो नहीं मेरा पीछे, मज़ा ही आ गया। ये लोकेशन इसलिए मुझे इतनी पसंद आती है क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी जो होती है ना बहुत क्लासिक होती है यार, सीरियसली। अगर मेरे पास प्राइम लेंस होता ना तो गजब ही फ़ोटोज़ आनी थी उसके बाद तो, क्योंकि उसमें जो बुके इफेक्ट आता है ना ख़तरनाक ही आता है तब तक, ठीक है। उसमें तो वो जो नीचे जा रही ना वो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ही ज़्यादा। ही देखो यहाँ पे फ़ोटो खींचने का मन नहीं करेगा तो क्या करेगा। आज तो मैं अकेला हूँ तो अपनी फ़ोटोज़ मैं बहुत कम ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अपने कैमरे से अपनी फ़ोटोज़ लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। बट हाँ ये है कि मैंने बाइक की काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ले ली हैं, वॉलपेपर्स टाइप, जिनको मैं इंस्टा स्टोरी पर लगाने वाला हूँ। हाँ यहाँ पर लोग हेलमेट नहीं पहनते, वो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेलमेट चेकिंग नहीं होती है, और यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लोग कम हेलमेट पहनते हैं। जो लॉन्ग रूट वाले हैं जैसे मैं हो गया या कोई और हो गया, जिनको लॉन्ग रूट चलना है ना, वो हेलमेट्स पहनते हैं। ये देखो यार नज़ारे ही अलग होते हैं ऐसी रोड पे। पर रोड खतरनाक भी है क्योंकि ब्लाइंड मोड है, पता नहीं लगता। सो दिस इज द गेट, यहाँ से ये है एंट्री गेट जो आप देख रहे हो ना, प्रवेश द्वार। ये है प्रवेश द्वार घनेलधार देवतावा। यहाँ पर भी एक मंदिर है तो बढ़िया है, और यहाँ पे भी मोमो चाउमीन वगैरह। और भीड़ देखो, गाड़ियाँ आई जा रही हैं क्योंकि देखो भेंट लगाने तो आना ही है ना इंसान को, भेंट तो चढ़ती है क्योंकि 12 साल में एक बार जात होती है तो सबके घर से भेंट आती आती है ना। तो वो तो मतलब भले ही इंसान जो है आके भेंट लगा के फिर वापस भी जा सकता है, रुकना थोड़ी ना है ना। आपको पता ही आजकल कोविड चल रहा है और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए भी रुकने की कोई ऐसा सीन भी नहीं है। फटाफट रूल ये कहता है कि आप आइए भेंट लगाइए और वापस घर जाइए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि कीर्ति नगर के बहुत पास है तो ईजिली आप यहाँ पे आके भेंट लगा के वापस जाके अपना कीर्ति नगर श्रीनगर में होटल में रुक सकते हैं अगर आप दिल्ली वगैरह से आ रखे हैं। बाकी अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप नाइट को भी यहाँ पे राइड कर सकते हैं क्योंकि अगर आप वो ऑल वेदर रोड देखोगे आगे वो तो और भी अच्छी है, वो तो काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी सही रोड है वो, ठीक है। तो वहाँ पर नाइट राइड भी हो जाती है आराम से, नाइट को भी अच्छी सी राइड हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बस ड्राइवर ढंका होना चाहिए, है ना। ओके गाइस, तो ये नदी है, पता नहीं कौन सी है, शायद अलकनंदा है आई गेस। हाँ तो ये है, और आगे देवप्रयाग मिलती है ये। अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो आप केदारनाथ की तरफ जाओगे, बद्रीनाथ केदारनाथ। तो ये जाती है केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए और राइट हैंड साइड जाती है ऋषिकेश के लिए। तो हमें राइट हैंड साइड जाना है। ये रोड तो काफ़ी चौड़ी तो ये है कीर्ति नगर, जिसके सामने आप मेरे देख रहे हैं कीर्ति नगर है, कीर्ति नगर मार्केट। और जो आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी ना तो पिछले वाले ब्लॉग में हम यहाँ से अंदर घुसे थे, जो हम ये है देवप्रयाग की मार्केट। जी हाँ, अपन लोग देवप्रयाग पहुँच गए हैं। देवप्रयाग आपको बताइए संगम है जहाँ से गंगा शुरू होती है, गंगा मैया। तो देवप्रयाग के मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई, मतलब नीचे पूरा शहर है देवप्रयाग का। ये तो सिर्फ एक मार्केट है जहाँ पे आपको खाना पीना मिल जाएगा। और यहाँ पर रोड थोड़ी पतली है क्योंकि यहाँ पर कटिंग शायद मुझे तो लगता पॉसिबल है। ये देवप्रयाग बाईपास बनाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं देवप्रयाग का बाईपास कहाँ से बनाएंगे या क्या करेंगे क्योंकि इस इलाके में ये जो मार्केट वाला इलाका है ना थोड़ा सा ही है, लेकिन यहाँ पे जाम लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो नॉर्मल यहाँ पे चौड़ी रोड है लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी पतली रोड है और वहाँ पर कटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे आबादी है, मतलब पूरा नीचे शहर है देवप्रयाग। ये देखिए जैसे नीचे आप देख ही रहे हो पूरे घर वगैरह बने हुए हैं, ये देखो इसको। ओके, तो ये है वो शिवपुरी वाला पुल। और वो जो सामने आप गांव देख रहे हो, यहाँ पे होती है कैंपिंग, राफ्टिंग वगैरह सब कुछ। और इस पुल में होते हैं प्री वेडिंग शूट, ठीक है, मतलब शादी से पहले जो होता है ना वो खचा खच 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 शूटिंग, हाँ वो वही होता है ये। पर नीचे के जो वो थे ना, नीचे जो अपनी गोवा बीच था, वो अब यहाँ से ख़त्म हो गया, वो अब बस वहीं है उस तरफ, वो देख रहे हो रेत रेत पड़ा है किनारे। पहले यहाँ पे भी हुआ करता था नीचे ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कुछ फ़ोटो शूट मैंने करी है यहाँ पे, तो अब निकलते हैं यहाँ से, है ना। ये रास्ता है बाईपास, बेटा भागो जल्दी। ये रास्ता बाईपास है, ये ऋषिकेश आरटीओ भी यहाँ पे पड़ा था, तो आपको यहाँ पे ऋषिकेश का आरटीओ भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन भी आपको यहीं पे मिलेगा, इसी रोड पे, तो वो दोनों यहीं पे हैं। और ये बाईपास रोड है वैसे तो।